ये अजान साहब आए हुए हैं आज इधर अफ्तारी करने के लिए। किधर जनाब? ये है खज्जा शरीफ आए, ठीक है, और इसके साथ ही आए दरअसल ये इनके पाए हैं और ये आपको डिश नज़र आ रही होगी, हर टाइम बॉयल होते रहते हैं। ये ग्रेवी है साथ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है जनाब? क्या नाम है आपका? तो फज्जा साहब आपके क्या लगते थे? अच्छा, मोस्टली मैंने यही देखा है कि इधर जो भी हैं उनके पोते नवासे इस तरह। अच्छा माशाल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है जी आपका? गुलाम महीउद्दीन। माशाल्लाह जी, तो उस्ताद फज्जा आपके क्या लगते थे? दादा लगते थे माशाल्लाह। मैंने एक वीडियो में देखा था इनका, एक ना उनका भी नवासा था, तो खुशी हुई जनाब मिलके आपसे। ये कितना अर्सा हो गया आपकी दुकान को? हमारी दुकान को हो गया 80 साल, ऑलमोस्ट 80 साल, 80 से भी ऊपर जो है ना इनकी तारीख। 100 साल पुरानी दुकान है माशाल्लाह। और ये फज्जा शरीफ से बाहर निकलेंगे जनाब तो ये आ जाता है जनाब आरव चटखारा, ठीक है जी। ये आरव चटखारा है और ये इनके मशहूर टका टक हैं जनाब इधर, और ये इनका जो है ना लेग वाला डिपार्टमेंट है, लेग पीस है इधर, और ये इनके चेस्ट पीस हैं। ये इनकी प्लेटें तैयार हो जाती हैं इस तरह। दोबारा और ये बड़े मशहूर उस्ताद साहब हैं जनाब इधर हमारे पास आज। उस्ताद जी की नाम है थोड़ा? इश्तियाक साहब। किन्ना अर्सा हो गया था ना? माशाल्लाह। इस दुकान नहीं तो इस दुकान के नाल नाल ही चलते जा रहे हो, मेरा मतलब तुम तो फिर हौली जी उम्र भी होवोगे जो आए इतने। माशाल्लाह। उस्ताद जी की बना रहे हो तुम? अच्छा जी, है कोई चेस पीस है? और ये एक डिश है जनाब इनकी आलू टिक्की, और ये है सर थोड़ा कीमा भी स्पेशल लग रहा है। अरे की स्पेशलिटी जे? ये कटिया कीमा जी स्पेशल है। अच्छा, वो खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है। हम खाएंगे तब भी अच्छा लगेगा। ये जो खुशबू है लगता है कोई आप घी भी कोई देसी यूज करते हो? स्पेशल मलाई इस्तेमाल करते हैं। स्पेशल मलाई इस्तेमाल करते हैं, सही है। ये आपको ये खा के बताओ पापा को, सही है मज़ा है जी? अजान, ये अजान टेस्ट कर रहे हैं, अजान बताएंगे आज टेस्ट करके कैसा है। मज़ा है, मिर्ची है, मिर्ची है भाई, वो चटखारा तो मिर्ची तो होगी ना। हाँ प्यार।